अस्सलाम वालेकुम क्लास, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द नॉन केमिकल एंड केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल द वाइल्ड बोर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोलॉजी ऑफ वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर्स आर ऑर्डिनरली कॉलोनियल इन हैबिट्स। या पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो वाइल्ड बोर होते हैं ये कॉलोनियल होते हैं, मतलब ग्रुप्स की फॉर्म में ये होते हैं। जब भी इन्होंने फीडिंग करनी है, रेस्टिंग करनी है या कोई भी इनकी एक्टिविटी है, ये ग्रुप्स की फॉर्म में करते हैं। एंड ग्रुप्स जो हैं वो इनके क्या कहलाते हैं, साउंडर्स। दे प्रेफर टू स्टे नियर द वेल मॉइस्चर्ड हैबिटेट्स। इनका हैबिटेट क्या है कि ये रिवर कनाल और स्ट्रीम्स वाले एरिया पे जहां पर वाटर सोर्सेज होते हैं वहां पर ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन इज देयर सेंस ऑफ स्मेल इज पर्टिकुलरली एक्यूट। इनका जो सेंस ऑफ स्मेल है वाइल्ड बोर का वो बहुत ज्यादा शार्प होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इनका स्मेल का जो सेंस ऑर्गन है वो बहुत शार्प है, जिसकी वजह से ये अपने प्रेफर्ड फूड को लोकेट कर लेते हैं। नाउ दिस इज हस्क। हस्क क्या है कि वाइल्ड बोर की एक पिकुलर सी स्मेल होती है, ठीक है, वो हस्क कहलाती है। ये जिनका हस्क होता है ये बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि ये वाइल्ड बोर को लोकेट करने के लिए यूज है, कि कहीं दूर भी होंगे तो वाइल्ड बोर की एक खास स्मेल होती है जो कि हस्क कहलाती है, तो हमें जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहां पर वाइल्ड बोर मौजूद है। ये जो पिक्चर शो की गई है ये वाइल्ड बोर के डैमेज की हैं। आप देख सकते हैं ये वीट के क्रॉप्स हैं, तो ये जो डैमेज एरिया दिखाया गया है ये वीट क्रॉप को डैमेज किया हुआ है। ये जो दोनों पिक्स हैं ये मेज का फील्ड है, ये देख सकते हैं आप इनका डैमेज पैटर्न, इन्होंने किस तरह से डैमेज किया हुआ है फील्ड को। और ये क्लोज इमेज है मेज का, इसको भी ये डैमेज देख सकते हैं आप, इन्होंने ये सारा एरिया डैमेज किया हुआ है वाइल्ड बोर ने। नंबर वन, पिग स्टिकिंग। दिस इज बेसिकली अ स्पोर्ट। ये एक गेम है और ये पिग स्टिकिंग जो है ये ज्यादातर विलेजेस और रिवर साइड्स पर इसको खेला जाता है या यूज किया जाता है वाइल्ड बोर को ट्रैप करने के लिए या उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। पाकिस्तान में ये पंजाब में सरगोधा डिस्ट्रिक्ट में जेहलम और चनाब वाली साइड पर ये पिग स्टिकिंग बहुत ज्यादा कॉमन है वाइल्ड बोर के कंट्रोल के लिए। In this game, an experienced rider on the horseback with a spear or lance chases the running boar and hits the spear on the head region of the boar. The rider makes the boar run at its maximum speed. ये पिक्चर में आप देख सकते हैं पिग स्टिकिंग, हॉर्स राइडिंग की जाती है और एक्सपीरियंस्ड राइडर होना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड राइडर है और उनके पास जो इक्विपमेंट है वो क्या कहलाता है, स्पेयर और लॉन्स। इसको उर्दू में नेजा कहते हैं, स्पेयर या लॉन्स। अब ये जो इनके पास स्पेयर है ये इसके बोर के हेड रीजन या मजल के ऊपर जो है वो अटैक किया जाता है, मल्टीपल हिट्स किए जाते हैं ताकि बोर जो है वो सीवियरली इंजर्ड हो जाए, ठीक है। और इसका ये इसमें जो पिग स्टिकिंग में अहम बात है वो ये है कि एमेच्योर एंड फ्रेशली ट्रेन्ड हॉर्स शुड अवॉइड इन दिस गेम। क्योंकि अगर हॉर्स भी ट्रेंड वेल ट्रेंड नहीं होगा तो भी पॉसिबिलिटी है कि ये पिग स्टिकिंग इतनी ज्यादा यूजफुल ना हो। और इसके डिसएडवांटेज ही होंगे कि राइडिंग के दौरान अगर हॉर्स अच्छे से राइडिंग अपनी परफॉर्म नहीं करता परफॉर्म एक्टिविटी, और ये राइडर भी अगर एमेच्योर है मीन्स के इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो वो इस हॉर्स पे से गिर भी सकता है। और फिर ये होगा कि और हिट्स भी अगर उसके हेड रीजन पे नहीं बॉडी के किसी और एरिया पे लगाए जाते हैं और उससे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता वाइल्ड बोर को, तो फिर वाइल्ड बोर की पॉसिबिलिटी है कि वो रिट्रीट्स करता है और अटैक कर सकता है राइडर के ऊपर भी और हॉर्स के ऊपर भी। तो ये पिग स्टिकिंग एक कॉमन मेथड है, यूज किया जाता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज यही है कि एमेच्योर को फिर क्या है कि स्पीयर अटैक कर सकता है बोर उसके ऊपर और हॉर्स को भी इंजरीज काज कर सकता है। नंबर टू, शूटिंग। शूटिंग इज फेयरली कॉमन टू किल द बोर्स। और शूटिंग भी जो है वो विलेजेस साइड पे रूरल एरियाज में की जाती है जहां पर वेजिटेशन और वाटर सोर्सेज रिवर्स कनाल ज्यादा होते हैं, तो इसलिए इनको इजीली लोकेट करके शूटिंग की जाती है। डबल बैरल शूट गन इज बेस्ट टू यूज। शूटिंग शुड बी डन इन नॉक्टर्नल कंडीशंस आफ्टर एक्सेसिंग द पॉपुलेशन ऑफ बोर्स ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट। शूटिंग जो है वो नॉक्टर्नल कंडीशन में की जाती है ये ताकि बोर्स को जो है वो
पहले पॉइंट पर लोकेट किया जाता है और फिर उनको विदाउट क्रिएटिंग साउंड उनको जो है वो शूटिंग के साथ उनको किल किया जा सकता है। शूटिंग में यही है कि शूट्स जो है उनके मजल या हेड रीजन पे ही होने चाहिए या शोल्डर साइड पर भी, क्योंकि बॉडी की जो उनकी बाकी एरिया है लाइक चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल एरिया, वहां पर बोर्ड के ऊपर जो है वो सफिशियंट फैट होता है, तो फैट जो है वो प्रिवेंट करता है फिर उनकी एक्सटर्नल ब्लीडिंग को। एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होती और जो है वो फिर वो जो है वो कह लें इंजर्ड नहीं होता, वो सर्वाइव कर सकता है और फिर पॉसिबिलिटी है कि बोर वहां से एस्केप कर जाए और हाइड कर जाए वेजिटेशन में। और जब एक बार बोर वहां से एस्केप कर जाएगा और हाइड हो जाएगा फिर उसको लोकेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि शूट्स जो हैं वो उसके हेड रीजन पे ही किए जाएं। डिसएडवांटेज शूटिंग का यही है, विक्टिमाइजेशन ऑफ नॉन टारगेट स्पीशीज, कि नॉन टारगेट स्पीशीज भी जो है वो शूटिंग के दौरान इंजर्ड हो सकती हैं और उसका विक्टिम हो सकती हैं शूटिंग का। तो इससे भी अवॉइड करने के लिए ये है कि जब हमने शूटिंग करनी है तो एडवर्टाइजमेंट कर दी जाए एक दो दिन पहले, ताकि जो बाकी एनिमल्स हैं या पेट हैं उनको वहां से उस एरिया से दूर रखा जाए और कोई इसी ताकि कोई नॉन टारगेट स्पीशीज जो है वो शूटिंग का विक्टिम ना हो सके। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ साइंस हैं या कुछ अलामात हैं शूटिंग के लिए, अगर हमने वाइल्ड बोर को चेस करना है या पता चलाना है कि वो कहां पर मौजूद है, किस एरिया में है, उनको लोकेट करने के लिए ये साइंस यूज किए जाते हैं। वाइल्ड बोर जो है वो काफी सारे अलामात छोड़ जाता है जिसकी वजह से हम उसको इजीली लोकेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फुटप्रिंट्स, ये आप देख सकते हैं कि वाइल्ड बोर के फुटप्रिंट्स हैं, सॉफ्ट मड में इनके जो फुटप्रिंट्स हैं बॉक्सी ट्रैक्स, इस डायग्राम में पिक्चर में आप देख सकते हैं बॉक्सी ट्रैक्स बनते हैं। तो इनको चेस करके भी हम फुटप्रिंट्स को, बॉक्सी ट्रैक्स होते हैं इसके, चेस करके हम वाइल्ड बोर को लोकेट कर सकते हैं एंड देन हम शूटिंग करेंगे। उसके बाद आप ये एरिया देख सकते हैं कि फार्म लैंड एरिया जो भी है वहां पर इन्होंने इस तरह से रूटिंग की हुई होती है, मतलब डैमेज किया होता है क्रॉप्स को। तो रूटिंग के पैटर्न को देख के हम डायरेक्शन जो है वो पता चला सकते हैं कि कहां तक ये रूटिंग प्रोपेगेट की हुई है फार्म में, तो वहां उन एरियाज में हम वाइल्ड बोर को लोकेट कर सकते हैं एंड देन शूटिंग करेंगे। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में ये वालोज बनाई हुई है, वालोज कहते हैं मडी एरिया जहां पर वाटर एंड मड मिक्सचर, जिसको सिंपली उर्दू में कीचड़ कहते हैं, तो ये वहां पर होते हैं बहुत ज्यादा, बनाई हुई इन्होंने अपने वालोज बनाते हैं वाइल्ड बोर, ताकि फिर वो उसके अंदर अपने आप को रखते हैं और अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए वॉलोज बनाते हैं और इसमें रहते हैं फिर। ठीक है, तो अब इस वॉलोज से भी हम जहां पर ये वॉलोज बहुत ज्यादा होंगी वहां पर वाइल्ड बोर होंगे तो उनको लोकेट किया जा सकता है। अब वॉलोज में क्या करते हैं कि ये अपने ऊपर मड लगा लेते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। अब इस वॉलो के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इनका कि ये जो इनके ऊपर मड लग गई थी ये फिर उसको रिमूव करते हैं। उस मड को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं कि जितने ट्रीज वहां पर होते हैं मौजूद एरिया में उन ट्रीज के साथ अपनी बॉडी को रब करते हैं ताकि वो मड इनके ऊपर से उतर जाए, रिमूव हो जाए। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट साइन है कि जिन ट्रीज पर मड जो है वो अटैच हो गई है, लगी हुई है, तो इससे भी पता चलाया जा सकता है कि वहां पर वाइल्ड बोर है। ठीक है, और मड की हाइट ट्री के ऊपर जितनी हाइट पर मड होगी, फॉर एग्जांपल 3 फीट या 4 फीट, तो हमें वाइल्ड बोर की एज, मतलब एडल्ट वाइल्ड बोर वहां पर मौजूद है, इससे पता चलाया जा सकता है। इसके अलावा इस पिक्चर में आप देखें कि वाइल्ड बोर ने क्या किया हुआ है कि ये जो ट्री की बार्क होती है ये अपने टस्क के साथ, टस्क कहते हैं स्पेशली वाइल्ड बोर के टीथ को, उससे इसको रिमूव किया है। तो ये भी एक साइन है, ये मेल बोर करते हैं मोस्टली, इनका सेंट मार्किंग एक्टिविटी है, बिहेवियर है, तो इससे भी हम इसको लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा वाइल्ड बोर का फिकल मटेरियल भी जहां जहां पर ट्रैक्स पर मौजूद होगा तो उसको भी चेस करके, वेस्ट मटेरियल को चेस करके भी हम वाइल्ड बोर तक पहुंच सकते हैं एंड देन शूटिंग करके उसको किल कर सकते हैं। नंबर 3, यूज ऑफ चॉपर्स। The choppers are small helicopters which are employed to kill wild boars. During this method, choppers come down close to the wild boar population and make them run about instantly in different directions. Inside choppers, 4 to 5 people with double barrel guns to shoot the boars are present. In certain circumstances, the choppers release phosphine gas to kill the boars.
अब आप देख सकते हैं डायग्राम्स में ये चॉपर्स और स्मॉल हेलीकॉप्टर्स यूज किए जाते हैं वाइल्ड बोर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो पहले वाइल्ड बोर की पॉपुलेशन के करीब उनको लाया जाता है और देन शूटिंग की जाती है। और इसमें शूटिंग के साथ साथ ये है कि हम फ्यूमिगेशन मीन्स के फॉस्फिन गैस भी रिलीज कर देते हैं बोर को किल करने के लिए। लेकिन ये जो चॉपर्स हैं ये इनका ड्रॉबैक ये है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है इस वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और सिर्फ फिर एडवांस कंट्रीज में इनको यूज किया जाता है बोर को कंट्रोल करने के लिए, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। नंबर 4 ट्रैपिंग। ट्रैपिंग कैन बी एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग वायर बोर नंबर्स। इन पाकिस्तान द मोस्ट कॉमन ट्रैप्स फॉर द कंट्रोल ऑफ वायर बोर आर स्नेयर ट्रैप्स, बॉक्स ट्रैप्स। द ट्रैपिंग मेथड रिक्वायर्स सर्टेन डिग्री ऑफ आर्टिस्टी एंड स्किल टू कंस्ट्रक्ट, प्लेस एंड कैप्चर द बोर्स। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रैपिंग करने के लिए हम बॉक्स ट्रैप या ये राउंड ट्रैप या स्नेयर ट्रैप, ये स्नेयर ट्रैप है, इनको यूज कर सकते हैं वाइल्ड बोर को ट्रैप करने के लिए। लेकिन ट्रैपिंग जो है उसमें कहते हैं कि स्किल और ये आर्टिस्टी है, साइंस से ज्यादा इसमें हम कहेंगे कि आर्ट है कि हमने किस तरह ट्रैप जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है और उसको रखना कहाँ पे है और फिर कैप्चर करना है बोर को। अब सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि ट्रैप कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने जो मटेरियल यूज करना है ट्रैप बनाने के लिए वो एक स्ट्रांग रिलायबल मटेरियल हो, लाइक स्टील। ठीक है, स्टील से बना हुआ हम ट्रैप यूज करेंगे। और फिर ट्रैप के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो बॉक्स या राउंड ट्रैप बनाते हैं इसके अंदर हम कुछ फाइन शार्प हुक्स भी लगा देंगे पूरे के पूरे ट्रैप के अंदर। उससे ये होगा कि जब वाइल्ड बोर इस ट्रैप के अंदर आ जाता है तो उसके बाद जब वो इंट्रैप्ड हो जाता है तो बोर कोशिश करता है उससे बाहर निकलने की, तो जंपिंग करता है और बहुत ज्यादा उसकी मोबाइलिटी होती है उसकी बॉडी की। तो अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा शार्प हुक्स लगे होंगे तो उसकी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी जंपिंग एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें ये जो हम ट्रैप बनाते हैं हमने देखना है उसके अंदर वो वाइड होना चाहिए ताकि वाइल्ड बोर इजीली उसके अंदर आ जाए, और डोर की ओपनिंग भी जो है वो खुली होनी चाहिए, वाइड होना चाहिए डोर ताकि इजीली वाइल्ड बोर जो है उसके अंदर एंटर हो जाए। ये तो कंस्ट्रक्शन में आ गया है सारा। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो है प्लेसमेंट। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये फेंस लगी हुई है, ठीक है, पीछे एक फेंस है और उसमें उसके आगे इन्होंने ये ट्रैप रखा हुआ है। तो ये यहां पर अगर फेंस है तो यहां पर क्या होगा, उस फेंस के अंदर एक ओपनिंग लगा दी है, तो वो जो बैक साइड पे जितना भी फार्म एरिया, लैंड क्रॉप एरिया है, वहां से अगर कोई वाइल्ड बोर इस ट्रैप, ये देखेगा फेंस है और फेंस के अंदर एक ओपनिंग है, तो उस ओपनिंग से ऑटोमेटिकली जो है वो फोर्स होगा कि वो इस ओपनिंग से बाहर आ जाए। तो जब वो इस फेंस की ओपनिंग से बाहर आने की कोशिश करेगा तो आगे ये ट्रैप लगाया हुआ है, तो इजीली हम इस तरह वाइल्ड बोर को ट्रैप कर सकते हैं। ये कह लें कि एक डिसीविंग मेथड है कि पहले एक फेंस लगाई हुई है और उस फेंस के अंदर ओपनिंग रखी हुई है कि वाइल्ड बोर वहां से गुजर जाए ये यहां पर, और जो ओपनिंग है उसके आगे हमने ये ट्रैप लगा दिया। तो इस तरह हम काफी ज्यादा तादाद में बोर को इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो ट्रैपिंग में बॉक्स ट्रैप है, राउंड ट्रैप है, स्नेयर ट्रैप है, इनकी लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है इनको कंट्रोल करने के लिए। या थर्ड एग्जांपल ये पिक्चर देखें स्नेयर ट्रैप की। स्नेयर को सिंपली उर्दू में कहते हैं फंदा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक हैंडमेड स्नेयर ट्रैप है, ये इसका बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है इसकी, वहां सामने से बोर आएगा यहां पर। तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पे एक रूप या कोई कह लें वायर लगाई होगी और उससे जो है ये यहां पर लूप बनाया जाता है, लूप मतलब फंदा। तो वो जो है लूप वो इसके ऊपर हमने नीचे कुछ अरेंजमेंट की हुई है कि यहां पर बेट लगाएंगे, उस बेट के नीचे वो लूप रख देते हैं। तो जैसे ही यहां से कमिंग वाइल्ड बोर आएगा अट्रैक्ट होकर इस बेट पर, तो या तो हम वो जो लूप है वो उसकी लेग में या नेक को ट्रैप कर लेगा, वो उसकी लेग या नेक उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी। तो ये भी बहुत ईजी और
सिंपल मेथड है कंट्रोल करने का. और स्नेयर ट्रैप, वहां पे ट्रैपिंग, ये ट्रैप यूज किए जाते हैं जहां पे हम ये बॉक्स या ये राउंड बड़े ट्रैप यूज नहीं कर सकते. वहां पर जहां पर लैंड एरिया जो है वो इररेगुलर है, स्मूथ नहीं है कि हम उसको वहां पे ये ट्रैप्स रखते हैं, तो फिर वहां पे ये हम स्नेयर ट्रैप यूज करते हैं. ठीक है, जहां पर एरिया जरा रफ है और हम अपने बॉक्स ट्रैप, केज ट्रैप यूज नहीं कर सकते, तो फिर ये स्नेयर ट्रैप यूज किए जाते हैं. ठीक है, यहां पर लूप होता है और जैसे ही वाइल्ड बोर इसको टच करेगा तो वहां पर लूप जो है या तो उसकी लेग में या उसके नेक में उसको फंस जाएगा और उसको ट्रैप कर लेगा. तो ट्रैपिंग बहुत कॉमन सिंपल मेथड है जो कि यूज किया जाता है वाइल्ड बोर को ट्रैप करने के लिए. नंबर 5, हाउंडिंग. हाउंडिंग हम सिंपली कह सकते हैं हंटिंग विद डॉग्स. इसमें क्या करते हैं कि डॉग्स के ग्रुप्स को छोड़ दिया जाता है, वो चेस करते हैं वाइल्ड बोर को और फिर हम उनको टारगेट करते हैं और किल कर देते हैं. हंटिंग विद डॉग्स कैन बी इफेक्टिव एट रिड्यूसिंग वाइल्ड बोर पॉपुलेशंस इन लोकल एरियाज एंड हैज बीन सक्सेसफुली यूज एज ए पार्ट ऑफ लार्जर कंट्रोल प्रोग्राम्स. ठीक है, हंटिंग हम कर सकते हैं डॉग्स के साथ, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि हाउंडिंग या कह लें हंटिंग विद डॉग्स ये है कि वाइल्ड बोर एक एरिया से शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे एरिया पे. जब डॉग्स उनको चेस करते हैं तो वो अपने आप को हाइड करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए एडजेसेंट एरियाज में मूव कर जाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि हंटिंग के थ्रू हम जस्ट प्रॉब्लम को रिलोकेट करते हैं, फिर हमें दोबारा से साथ वाले या एडजेसेंट और जहां पे वो मूव करके गए उनको वहां पे लोकेट करना होता है. तो समटाइम्स ये इसका ड्रॉबैक है हंटिंग का. और इसके अलावा हंटिंग कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है कि एक्सपीरियंस डॉग्स चाहिए, एक्सपीरियंस हंटर हों, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डॉग्स, केयरिंग ऑफ डॉग्स और फिर ट्रेनिंग ऑफ डॉग्स. तो इस हवाले से हंटिंग थोड़ा सा इसका ये ड्रॉबैक है, लेकिन इसको लोकली एरिया में यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए वाइल्ड बोर की पॉपुलेशन को. नंबर 6 इज फ्लडिंग द बरोज. ये बहुत सिंपल मेथड है. अनदर इम्पॉर्टेंट मेथड इज टू प्रोवाइड सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर्स इन देयर बरोज. The conducting pipes should be sufficiently wide and are provided with larger water to flood the burrows of boars. Flooding में यह है कि हम उसकी burrows के अंदर flooding कर देते हैं और वो इसमें यह है कि बहुत ज्यादा water जो है उसकी जरूरत होती है flooding करने के लिए उनकी burrows में. और जो pipes हैं वो long pipes होने चाहिए और उनका आगे से front जो hole diameter है वो भी बहुत ज्यादा वाइड होना चाहिए ताकि सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर उनकी बरों में हम जो है वो डाल सके वाटर को. और वाटर बहुत ज्यादा मिकदार में चाहिए तो जो पाइप्स हैं कंडक्टिंग पाइप्स वो वाटर के मेन सोर्स के साथ कनेक्ट होने चाहिए. लास्ट वन नॉन केमिकल मेथड जो है वो ये है इलेक्ट्रिक फेंसिंग. इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक फेंसिंग ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द डैमेज बाय वाइल्ड बोर्स. ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग की गई है. सडनली भी अगर कोई बोर इस इलेक्ट्रिक फेंस के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाता है, टच्ड हो जाता है, तो वो उसी टाइम किल हो जाएगा. तो ये बहुत सिंपल मेथड है कंट्रोल करने का और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. इस्लामाबाद वाली साइड पे देखें तो ये वायर बोर बहुत ज्यादा कॉमन है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए सिंपली ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग की जाती है. ये हमने जो जितने भी मेथड्स पढ़े हैं ये नॉन केमिकल मेथड्स हैं. पिक स्टिकिंग, शूटिंग, हेलीकॉप्टर्स यूज कर रहे हैं, उसके अलावा ट्रैपिंग, हाउंडिंग, फ्लडिंग एंड इलेक्ट्रिक फेंसिंग. केमिकल कंट्रोल ऑफ वाइल्ड बोर. सम ऑफ कॉमनली यूज केमिकल मेथड्स अगेंस्ट वाइल्ड बोर्स आर बीन डिस्कस्ड एज फॉलोज. नंबर 1, यूज ऑफ सिलाट्रेन. लाइक जिंक फॉस्फाइड, सिलाट्रेन ऑल्सो यूज एज एक्यूट पॉइजन टू कंट्रोल वाइल्ड बोर. ये जो जिंक फॉस्फाइड है ये एक एक्यूट पॉइजन है. इनको हमने डिटेल में प्रीवियस रूडेंट्स के कंट्रोल में डिटेल डिस्कस किया हुआ है फॉस्फाइड को, जिंक फॉस्फाइड को, तो इससे यहां पर फर्दर डिस्कशन नहीं हो रही है. तो ये जो सिलाट्रेन है ये भी एक एक्यूट पॉइजन है और इसका भी मैकेनिज्म सेम है लाइक जिंक फॉस्फाइड. तो एक्यूट पॉइजन क्या होते हैं कि सिंगल डोज में ही वो जो है वो पेस्ट को किल कर देते हैं. तो सिंगल डोज इज इनफ टू किल द वाइल्ड बोर. सिलाट्रेन करैक्टरिस्टिकली इट इंड्यूसेस सिम्टम्स लाइक ब्लर्ड आई विजन, सेरोसिस. तो सिलाट्रेन के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं वाइल्ड बोर के ऊपर कि उसकी विजन बहुत ज्यादा ब्लर्ड हो जाती है और सायरोसिस हो जाएगा. सायरोसिस क्या होता है कि लीवर के टिश्यू डैमेज्ड हो जाते हैं और फिर वो रिकवर भी नहीं होते.
तो इस वजह से ये उसके लीवर के टिश्यू को डैमेज कर देगा और फिर बाकी जितने भी लीवर के फंक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो डेथ कॉज करते हैं वाइल्ड बोर के अंदर. सेकेंड इज द यूज ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड. आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इज रिलेटिवली चीप पॉइजन एंड इज इजीली अवेलेबल एवरीवेयर. इसकी डोज देखें, हाफ टी स्पून क्वांटिटी ऑफ पाउडर्ड मटेरियल इज सफिशियंट टू किल अ वाइल्ड बोर ऑफ एनी साइज. ये जो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है ये बहुत कॉमनली यूज है और क्योंकि ये चीप भी है और इजीली अवेलेबल है और इसकी डोज भी देख सकते हैं, हाफ टी स्पून इज इनफ टू किल द वाइल्ड बोर. तो इसको हम क्या करते हैं, बेट में मिलाकर देते हैं आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को, लाइक एप्पल. ठीक है, एप्पल को कट लगाएंगे, उसके अंदर ये पॉइजन फिल करेंगे और उसके कट को हम दोबारा एप्पल के पल्प के साथ फिल करके उसको बोर को प्रेजेंट करते हैं और देन उसकी फिर जो है वो डेथ हो जाती है. और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का एक एडवांटेज ये भी है कि ये पेनलेस डेथ क्रिएट करता है. इसकी आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की इनटेक के बाद वाइल्ड बोर जो है वो काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है अपनी डेथ से पहले पहले. तो ये इसका एक एडवांटेज और प्लस पॉइंट है कि ये विदाउट पेन जो है वो डेथ काज करता है. यूज ऑफ वारफेरिन. वारफेरिन इज एन एंटीकोएगुलेंट. द फेलियर टू प्रोड्यूस विटामिन के वारफेरिन ऑल्सो इंड्यूस सिम्टम्स लाइक डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर एंजाइम. वारफेरिन या ये जो रेक्यूमिन है ये दोनों ही क्या है, ये एंटीकोएगुलेंट है और एंटीकोएगुलेंट का क्या रोल होता है कि ये विटामिन के की सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं और जब विटामिन के की सिंथेसिस नहीं होती तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, इसी वजह से इनको नाम दिया गया है एंटीकोएगुलेंट का. विटामिन के का क्या रोल होता है कि ये विटामिन के जो है ये प्रोथ्रोम्बिन बनाते हैं और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन बनाता है. या आप देख सकते हैं कि जैसे ही कहीं ब्लड वेसल पे इंजरी हुई है तो वहां पर प्लेटलेट्स आ जाते हैं, क्लम्प्ड हो जाते हैं और प्लेटलेट्स क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज. और यहां पर अब रोल देखें विटामिन के का क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज. थ्रोम्बिन क्या करते हैं, फाइब्रिनोजेन जो हमारे प्लाज्मा में मौजूद होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं फाइब्रिन में. और फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन का रोल है कि वो ब्लड को क्लॉट कर देता है. तो जब ये एंटीकोएगुलेंट से होता क्या है कि विटामिन के की सिंथेसिस नहीं होती एंड देन ये पूरा का पूरा ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म ही रुक जाता है, तो इस वजह से ब्लड क्लॉटिंग फिर नहीं होती. इसके अलावा वारफेरिन क्या करता है, हेमोग्लोबिन की जो है एक्टिविटी, ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की वो भी कम हो जाती है और लीवर के जो है एंजाइम्स उनको डैमेज करता है, लीवर के टिश्यूज को डैमेज करता है. लीवर के जब टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये फर्दर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जेंडिस भी हो जाएगा और वहां पर आरबीसीज की ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होती है, बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बनता है जिसकी वजह से जेंडिस हो जाता है. नेक्स्ट वन है यूज ऑफ रेक्यूमिन. इट इज एन अनदर एंटीकोएगुलेंट. रेक्यूमिन कॉज वाइल्ड बोर टू फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस्ड मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग, मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग अलॉन्ग विद द पैरालिसिस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. रेक्यूमिन का क्या है कि इसका आप नया फंक्शन देखें कि ये मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग करता है. इंटरनल ब्लीडिंग कैसे होगी कि ये वाइल्ड बोर के अंदर जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनको डैमेज करेगा, उनको कट कर देगा, तो जिस वजह से क्या होगा कि ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलीज होकर वाइल्ड बोर के जो बाकी बॉडी के टिश्यूज हैं लोकल एरिया में उनके एक्यूमुलेट हो जाएगा. ठीक है, तो ये उसके अंदर मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग काज करता है. और दूसरा फंक्शन देखें आप साथ में क्या है कि ये एक एंटीकोएगुलेंट है. जब कभी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए तो विटामिन के ही ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है ताकि ब्लड की क्लॉटिंग हो या उसको स्टॉप किया जाए. तो ये एक एंटीकोएगुलेंट है, तो आप देखें मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग भी काज कर रहा है और साथ में विटामिन के की सिंथेसिस भी नहीं कर रहा, तो इस वजह से वाइल्ड बोर की जो है वो डेथ हो जाती है. रेक्यूमिन में ऑल्सो बी यूज फॉर वाइल्ड बोर विदाउट एनी बेट एज इट्स ऑर्डर इज एक्सेप्टेबल ड्यू टू बेटर टेस्ट. ये इसका एक एडवांटेज है कि अच्छे टेस्ट की वजह से और ऑर्डर की वजह से इसमें बेट की भी जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली भी दिया जा सकता है वाइल्ड बोर को. लास्ट वन इज यूज ऑफ फ्यूमिगेंट्स.
Fumigation process has serious neurotic impacts on the wild boars and they can be killed immediately depending upon the concentration of fumigation. फ्यूमिगेशन का आपको पता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉस्फीन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिक्स किया जाता है और उसके जो है वो वाइल्ड बोर की बरोज में या वाइल्ड बोर के जो ग्रुप्स होते हैं उनके ऊपर फ्यूमिगेशन की जाती है जिससे उनके अंदर ब्लड आयोविजन हो जाती है और सफोकेशन हो जाती है और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है. तो ये बहुत ज्यादा कॉमन मेथड है फ्यूमिगेंट्स का भी केमिकल मेथड है सिंपल मेथड है यूज किया जाता है वाइल्ड बोर को किल करने के लिए. थैंक यू सो मच.